घरों में घुसने पे बन रहा है, प्रवेश पर बन रहा है, रिश्तेदारों को घुसने पे बन रहा है, व्यापारों पे बन रहा है, अटमल के नाम पर शोषण हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और टीवी टुडे इंडिया पर इस वक्त हम आपको लिए चल रहे हैं गोवर्धन। गोवर्धन में आप जानते ही हैं कि एनजीटी का मामला आजकल बहुत गरमाया हुआ है और आजकल क्या पिछले कई महीनों से कुछ वर्षों से एनजीटी के आदेशों का अनुपालन और उन अनुपालन की कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण लगातार वहां पर जारी है और लगातार वहां पर कार्यवाहियां जारी हैं, लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं और उन निर्णयों को अब लोग थोड़ा सा कम पचा पा रहे हैं और उन निर्णयों के विरुद्ध लामबंद होते जा रहे हैं। विरोध एक बार फिर से करने पर आगे बढ़ रहे हैं, संघर्ष की डगर पर बढ़ रहे हैं। गोवर्धन क्षेत्र के लोग एनजीटी के आदेशों के क्रम में अपने विरुद्ध हो रही कार्यवाहियों के विरुद्ध। और हमारे साथ हैं अधिक जानकारी के लिए हमारे साथी ऋषभ कौशिक गोवर्धन से। ऋषभ जी, बताइए आप क्या कहेंगे, जो परिदृश्य चल रहा है गोवर्धन का पिछले कुछ वर्षों से ही आप स्टार्ट कीजिए और कुछ माहों से स्टार्ट कीजिए कि क्या क्या हुआ है और अब क्या हो रहा है और अब क्या होने जा रहा है। जी कतरी जी, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने बताया है कि यहाँ की जो जनता है वो अब संघर्ष की डगर पर चलने को आमादा हो गई है, तैयार हो गई है पूरी तरीके से। और आज पहले जो ई रिक्शा चालक थे उनके द्वारा पहले अभी कुछ ही दिन पहले ही उद्यम किया गया, तहसील को घेरा गया, वहाँ पे नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में SDM को भी ज्ञापन दिया गया। पहले जो प्रशासनिक कार्रवाई है उनको वो पूरे को पूरा करने में यहाँ की जनता लगी हुई है, अब संघर्ष की डगर पर बढ़ने की पूरी कोशिश कर रही है। अब आज की जो तस्वीरें आई हैं आप देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो तस्वीरें हैं वो गाँव जतीपुरा की हैं। वहाँ पर जो समाज सेवी लोग हैं वो लोग जाकर यहाँ की जो माताएँ हैं, बहनें हैं, उन सबको बता रहे हैं कि एनजीटी से क्या असर पड़ेगा। यही नहीं, आंदोलन में यहाँ पर अब की बार आपको कोई लोग वैसे नहीं दिखाएंगे, कोई समाज से भी ही और जो जनता के लोग हैं वही नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर अब की बार लेडीजें भी दिखाएंगी और लेडीज अब की बार पूरी तरीके से आमादा हैं, उन्होंने हाथ पूरे हथियार भी उठा लिए हैं। अब की बार किसी भी तरीके से जो यहाँ पर शासन प्रशासन की जो कार्यवाही हो रही है और जो तमाशा रवैया देखने को मिल रहा है, कभी किसी को पीट दिया जाता है, कभी किसी से कुछ कह दिया जाता है और गाड़ियाँ अंदर एंटर नहीं करने दी जा रही हैं, जिसके बाद में यहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, परेशानी ही नहीं, जो उनके रिश्तेदार आते हैं उनसे बदतमीजियाँ हो जाती हैं और बदतमीजी होने के बाद में फिर यहाँ मारपीट की स्थिति होती है और थाने में हर रोज ऐसे मामले आते हैं, फिर उन्हें निपटाया जाता है। पुलिस जहाँ कहीं पुलिस की गलती दिखती है तो कहीं किसी रिश्तेदार की गलती दिखती है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा है गोवर्धन में, गोवर्धन के आने से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस की पूरी तरीके से एक तरीके से कुश्ती नजर आ रही थी और बताया गया कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए, जो व्यक्ति वहाँ नीचे पड़ा हुआ था वो अपनी बहन से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन उसका टेम्पो नहीं घुसने दिया क्योंकि वह टेम्पो चालक था और टेम्पो चालक बाहर का रहने वाला था, उसे समझा उसकी स्थिति देखते हुए भी। ये ऐसी तस्वीरें कंटिन्यू आती रही हैं और आने के बाद में अब यहाँ के लोग अब दौड़ी पीट रहे हैं, जो समाज सेवी लोग हैं वो दौड़ी पीटने में लगे हुए हैं और यहाँ की जनता को इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं। कल महापंचायत होने जा रही है तो जिसमें आपको बता दें करीब 7-8 गाँव के लोग रहेंगे और कस्बे के नागरिक रहेंगे और साथ ही साथ राधाकुंड कस्बे के भी नागरिक रहेंगे, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं वो पीड़ित भी रहेंगे और आगे का जो निर्णय होगा वो कल लिया जाएगा। देखना यह होगा कल क्या निर्णय लिया जाता है और जनता यहाँ की कहाँ तक पहुँच पाती है, क्योंकि एनजीटी को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करने की कोशिश में है पूरी तरीके से यहाँ की जनता है। जी खत्री जी, एक बात बताएं आप, हमने ये जो महापंचायत होने जा रही है, कहाँ होने जा रही है, कितने बजे होने जा रही है, किन किन गांवों के लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं, उन गांवों के नाम भी बताएं और ये भी बताएं कि उनको किन किन बातों पर एतराज है, किन किन निर्णयों पर आपत्ति है, किन से उनके ऊपर विपत्ति है।
जी खत्री जी, मैं बता दूं कल 12 बजे मुकुंद विनोद गार्डन जो प्रथमा मार्ग में एक जगह पड़ती है वहां पर ये पूरी महापंचायत होने जा रही है, जिसमें आन्य और जतिपुरा और तुम्हारा पैठा और गोवर्धन का पूरा कस्बा होगा, साथ ही साथ राधाकुंड कस्बा है और पास के जो गांव हैं जैसे गांठौली है, देवसीरस है, मुर्सीरस है, और अगर हम बात करें जो इधर की साइड में आप मेहमतपुर चले जाइए, सौंख के आसपास के जो गांव हैं वो गांव भी इसमें सीमित किए जा शामिल किए जा रहे हैं। राजस्थान का पूंछरी गांव है उसे भी शामिल किया जा रहा है, उन्हें भी वहां परेशानी एनजीटी के नाम की जो परेशानी है वो झेलनी पड़ रही है। पूरे परिक्रमा मार्ग को सीज कर दिया गया है, जिस तरीके से कोई भी वाहन को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है उसे लेकर खासे यहाँ पर लोग नाराज हैं। तो व्यापारिक जो सिस्टम है वो खत्म हो गए, श्रद्धालुओं को रोक दिया जाता है, तो वो श्रद्धालु एक बार जब परेशानी का सामना करेगा, झेल लेगा परेशानी, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जैसी भी जो भी परेशानी होती है आधा किलोमीटर वो झेलने के बाद में फिर वो दोबारा क्यों आएगा, इस ऐसी भावनाओं को यहाँ पर रखा जा रहा है। और धीरे धीरे जो श्रद्धालुओं का आवागमन भी यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है, तो इससे लग रहा है कि वो एनजीटी का फर्क, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि एनजीटी का फर्क है, इसकी वजह से यहाँ पे जो रोजगार पे भी दिक्कत सामने आ रही है। ई रिक्शा चालकों को अब बंद कर दिया गया है, तो ई रिक्शा चालक भी खासे नाराज दिख रहे हैं, ई रिक्शा चालक भी अब सामने आने लगे हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर जो रोजगार का संकट आगे की साइड दिख रहा है, तो उसे देखते हुए यहाँ पर अब महापंचायत का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। देखना यह होगा कि महापंचायत में कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं। अब जो एनजीटी का जो जिन है दोबारा से फिर दोबारा बाहर निकल आया है और आंदोलनों की प्रक्रिया फिर यहाँ गोवर्धन में फिर चालू हो गई है। जी खत्री जी, चलिए आप स्थिति पर नजर बनाए रहिए और भी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यही कहेंगे कि ये एनजीटी के जो निर्देश हैं उनका अनुपालन पूरी कड़ाई के साथ यहाँ का जिला प्रशासन करा रहा है और जिलाधिकारी स्तर तक के अधिकारी को खुद गोवर्धन में प्रवास करके स्थितियाँ देखनी पड़ रही हैं। इसके बावजूद जनता जो है वो असंतुष्ट है, वो असंतुष्ट प्रशासन से नहीं है, उसकी कार्यवाहियों से नहीं है, बल्कि जो निर्णय आए हैं उनसे, जो उनकी कार्य व्यवस्था है, उनका जो जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है। तो हम देखते हैं आगे इसमें क्या परिदृश्य सामने आता है, क्या एनजीटी का भी कोई एक विशेष दल यहाँ पर आकर इस बात का अध्ययन करता है कि जो लोग हैं क्या वो वास्तव में गलत हैं या उनकी जो समस्याएं हैं वो उचित हैं, उनका संज्ञान लिया जाना चाहिए, उनके दृष्टिगत भी कुछ सोचा जाना चाहिए, विचारा जाना चाहिए और निर्णय उसी के अनुरूप निष्पादित किए जाने चाहिए।